स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडे ने शूलिनी मेला के अंतिम दिन रस्साकसी प्रतियोगिता में समापन समारोह में की अध्यक्षता। ऐतिहासिक ठोडो मैदान में महिलाओं में दिखा खासा उत्साह। प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की 91वीं जयंती पर आज प्रदेश कांग्रेस के सभी ब्लॉकों में पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धा सुमन की अर्पित। चुवाड़ी छिंज मेले को अगले वर्ष से जिला स्तरीय मेले के रूप में किया जाएगा आयोजित। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि मेले के प्रारूप को लेकर मेला आयोजन समिति जन सहमति के आधार पर मेले की रूपरेखा करे तय। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भलई माता मंदिर परिसर में 11 लाख की राशि से नवनिर्मित सामुदायिक भवन का विधिवत किया लोकार्पण। वाणी प्रकाशन समूह की कार्यकारी अध्यक्षा अदिति माहेश्वरी गोयल ने शिमला में पुस्तक मेले के दौरान बाल साहित्य मंच में बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। कहा, वर्तमान में बाल रचनाकारों को मंच प्रदान किया जाना समय की मांग। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर जिला के पूह विकास खंड की ग्राम पंचायत नाको का किया दौरा। मंगजा से सवोचे गांव के लिए 31,15,000 रुपए की राशि से निर्मित होने वाली स्पेन का किया शिलान्यास। उत्तर क्षेत्रीय ओपन शतरंज प्रतियोगिता आज संपन्न। विजेता खिलाड़ियों को सोलन जिला बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता डीके शर्मा ने किया पुरस्कृत। 28 जून तक प्रदेश में मॉनसून के दस्तक देने की संभावना। इससे पहले मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और अंधड़ का पूर्वानुमान जताया।